अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चाइना ग्रास हलवा, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला हलवा बनकर तैयार होता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं चाइना ग्रास ले ली हूँ। इसे अगर अगर भी बोलते हैं। यह 8 ग्राम का छोटा सा पैकेट है। आधे लीटर दूध में इतना चाइना ग्रास हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरा पैकेट निकाल ली हूँ मैं। इसे काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो काट ली हूँ मैं यहाँ। अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी। तो मैं 1/4 कप पानी डाल ली हूँ। 1/4 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे इसे पकाने के लिए। अब मैं गैस पे रख दूँगी इसे। इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट हो जाने तक पका लेंगे। तो गैस चालू कर दी हूँ मैं और इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पका लूँगी। ये पक रहा है तब तक दूध भी रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो यहाँ 1/2 लीटर दूध ले ली हूँ। इसमें एक उबाल आने दूँगी। इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे ढककर साइड में रख दूँगी। दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें 1/4 कप चीनी। ग्राम से ये 50 ग्राम है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मिला लेंगे इसे। 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। इलायची पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे बिना किसी फ्लेवर के भी बना सकते हैं। उससे भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसे 2 मिनट पका ली हूँ और अब मैं डाल दूंगी जो चाइना ग्रास हमने पका के रखा हुआ है उसे। ध्यान रहे हमारा चाइना ग्रास जो है वो गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा हो जाए तो आप उसे पहले गर्म कर लें फिर डालें। चाइना ग्रास डालने के बाद दूध को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। चाइना ग्रास डालने के बाद दूध को ज़्यादा देर पकाने से कभी कभी दूध फट जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। मैं सिर्फ इसे 30 सेकंड तक पका ली हूँ। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसे डाल दूँगी जिस बर्तन में हमें हलवे को सेट करना है उसमें। सारा दूध डाल देंगे। तो डाल दी हूँ मैं। जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। ये ठंडा हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं। तो यहाँ डाल दी हूँ मैं और अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और 3 घंटे बाद ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। हमारा चाइना ग्रास हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। मैं इसे काट के दिखाती हूँ। ये हलवा बिल्कुल मुँह में घुल जाता है। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे इफ्तार में भी बनाकर सबको सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। देखिए कितना बढ़िया बना है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।